आदाब नाजरीन, मैं आपका दोस्त मोहम्मद सोहेल। आज हम अवेसी हॉस्पिटल के सामने जो फ्लाईओवर कई दिन से बन रहा था वहाँ पर मौजूद है। ये फ्लाईओवर एक बहुत ही असदुद्दीन अवेसी साहब और अकबरुद्दीन अवेसी साहब के सक्सेसफुल रिप्रेजेंटेशन के बाद ये फ्लाईओवर बनाया गया है। और इस ब्रिज की लंबाई, फ्लाईओवर की लंबाई है 1.365 मीटर, यानी मोटी तौर पर बोला गया तो 1.5 किलोमीटर से कुछ कम रहेगा। ये ब्रिज जाएगा फिसल बंडे से लेकर बैरमल गुड़ा वाया अवेसी जंक्शन होता हुआ जाएगा ये ब्रिज। लेकिन नाजरीन, यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है, ब्रिज तो टोटली तौर पर मुकम्मल है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके सामने है। अब पता चला है कि ये ब्रिज सिर्फ इनॉग्रेशन, सिर्फ ये नेम प्लेट के लिए रुका हुआ है। ये नेम प्लेट शायद ऐसा लगता है हुकूमत के पास का, हुकूमत का खजाना ब्रिज में लग गया, इसीलिए नेम प्लेट आज तक नहीं लगा अभी तक। अब नेम प्लेट के लिए ब्रिज का काम ब्रिज को चालू नहीं किया गया ये पता करने पर एक तो ये जोक सी बात हो चुकी है। और आप देख सकते हैं इस ब्रिज की वजह से आवाम को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि ये ब्रिज की वजह से कई घंटों ट्रैफिक जाम होती थी। यहाँ पर आवाम को आने जाने में मुश्किलात होती थी, ट्रैफिक, डस्ट, हर चीज़ से आवाम ने इस ब्रिज के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया ताकि ओल्ड सिटी में डेवलपमेंट चाहिए। और एक बात यहाँ पर देखी जा सकती है, ये ब्रिज का काम बहादुरपुरा फ्लाईओवर के बाद में मुकम्मल हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी ये ब्रिज का काम अभी मुकम्मल है। ब्रिज एकदम टोटली खूबसूरत तौर पे पूरा आपके सामने रेडी है, यहाँ पर मौजूद है और अनकरीब एक या दो तीन दिन में इसका इफ्तिताह अमल में आ जाएगा। लेकिन बहादुरपुरा ब्रिज पिछले 3 साल से वही सुस्ती के साथ में उसका काम चल रहा है। आपको भी पता ही होगा, शहर हैदराबाद के जो लोग मौजूद हैं, उस ब्रिज को एक नया भी नाम, मुख्तलिफ नाम भी दिया गया था, दुबई ब्रिज। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि बहादुरपुरा ब्रिज का काम बहुत ही सुस्ती के साथ चल रहा है। उसके बाद हम आते हैं फलकनुमा फ्लाईओवर के पास, जो ब्रिज 6 महीने के अंदर के बोलकर 6 महीने का टाइम लेकर 8 महीने में मुकम्मल हुआ। चलिए कोई बात नहीं, वो वन साइड मुकम्मल हुआ 8 महीने में भी, वो उसका टू और एक सेकेंड पार्टीशन अभी उसका बाकी है बनने के लिए, जो कि आवाम के लिए बहुत ही बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन वहाँ पर ट्रैफिक के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ट्रैफिक जैम हो रहा है, उसके बावजूद भी वहाँ का कोई काम फास्ट नहीं हो रहा है। और जब हमारे हम लोग जब GHMC के अहदेदारों से इस चीज़ के बारे में पूछने गए तो वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर ब्रिज बनाने के लिए सेकेंड पार्टीशन उसका उन लोगों के पास अमाउंट नहीं है। ये लोग ऑन कैमरा तो ये चीज़ नहीं बोले, लेकिन उनसे बातचीत में ये पता चला कि उनके पास अभी बजट नहीं है। लेकिन जो बजट नहीं है तो ब्रिज के लिए जो अमाउंट रिलीज हुआ था वो अमाउंट गया कहाँ आखिर? जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि GHMC के पास बजट नहीं है फलकनुमा फ्लाईओवर बनाने के सेकेंड पार्टीशन के लिए, वैसे ही और एक बात ये देखने को मिलती है कि न्यू सिटी में, नए शहर में ब्रिजेस तूफ़ानी रफ्तार के साथ मुकम्मल किए जा रहे हैं। जैसे कि केबल ब्रिज 18 महीने में मुकम्मल हो गया, उसके साथ साथ LB नगर का ब्रिज बहुत तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल हुआ, और कई ब्रिजेस ऐसे हैं जो तेज़ी से के साथ मुकम्मल हो चुके हैं। तो KTR हुकूमत पुराने शहर को क्यों नज़रअंदाज करते जा रही है, जो सिर्फ नए शहर में डेवलपमेंट ला रही है पुराने शहर में नहीं? ये ब्रिज जो जब जहाँ पर हम ठहरे हुए हैं, मौजूद हैं यहाँ पर, ये ब्रिज भी सिर्फ अकबरुद्दीन साहब और असदुद्दीन अवेसी साहब की प्रेशर करने के बाद में और उनकी उन लोगों की कामयाब नुमाइंदगी के बाद में ये ब्रिज मुकम्मल हो पाया है इतना जल्दी, क्योंकि आवाम को जल्द से जल्द सहूलत फराहम हो और आवाम इस ब्रिज का फ़ायदा उठा सके।